बिहार पंचायत चुनाव इस बार ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों से होना है। दोस्तों, लोगों के मन में, जब खास करके ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि आखिर चार चार ईवीएम की व्यवस्था कैसे रहेगी। तो इसका भी समाधान आ गया है, वो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ईवीएम को ही अलग अलग रंग के खाने में रखा जाएगा, जिसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट में ईवीएम रखा जाएगा, वोटिंग कंपार्टमेंट कहते हैं, जिसे कुटवा से घेरा हुआ नहीं रहता है उसी को कहते हैं। तो हम पूरी बात आगे की वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप पंचायत चुनाव से हर अपडेट के लिए, पंचायत चुनाव की हर जानकारी के लिए, अगर इस आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देने वाला हूं। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो ग्रामीण मतदाताओं और ईवीएम की बड़ी संख्या, मतलब बैलेट यूनिट की बड़ी संख्या देखते हुए चार चार यूनिट को, उसके लिए उसका समाधान निकाला है। जिस उसका समाधान यह निकाला है कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग कलर का कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। हालांकि जो ईवीएम अलग अलग हैं उनके लिए तो अलग अलग कंपार्टमेंट, जैसे मुखिया का जो ईवीएम जहाँ रहेगा उसके लिए अलग कंपार्टमेंट बनेगा, और पंचायत समिति के लिए अलग बनेगा, जिला परिषद के लिए अलग बनेगा, वार्ड सदस्य के लिए अलग कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। लेकिन पंच और सरपंच का जिसमें बैलेट से पढ़ना है, उसके लिए अलग कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। कंपार्टमेंट मतलब आप समझ जाइए कि जो आप जब वोट देने जाते हैं तो एक कूट से ऐसे घेरा हुआ रहता है, गत्ते का एक जो बनाया हुआ रहता है कंपार्टमेंट, एक घर जैसा बनाया हुआ रहता है, उसी को कंपार्टमेंट कहते हैं। लेकिन इस बार पहचान के लिए कि मुखिया के ईवीएम कहाँ है, पंचायत समिति का ईवीएम कहाँ है, वार्ड सदस्य का ईवीएम कहाँ है, इसके लिए उस कंपार्टमेंट को ही अलग अलग रंग से बनाया जाएगा ताकि पहचानने में आसानी हो। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि अभी जो ताजा अपडेट क्या आया है, आप जान लीजिए। पंचायत चुनाव में इस बार वोटिंग कंपार्टमेंट को लेकर खास तैयारी होगी। हर बूथ पर 5 वोटिंग कंपार्टमेंट होंगे। 5, मैंने पहले बताया था कि 4 ईवीएम के लिए और 5 सरपंच के लिए एक होंगे। सभी कंपार्टमेंट का रंग अलग अलग होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस बार ग्राम पंचायत में 4 पदों पर ग्राम सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। वहीं ग्राम कचहरी के 2 पद, पंच और सरपंच, को चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा। जिन पदों के लिए ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे उनके लिए अलग अलग रंग के कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे, और वोटिंग कंपार्टमेंट का रंग भी अलग अलग होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट का समझ लीजिए, इसको ध्यान देने, जो वार्ड सदस्य का जो जहां रहेगा, जिसको ईवीएम रहेगा, बैलेट यूनिट रहेगा, उसका कंपार्टमेंट का रंग जो रहेगा वार्ड काले रंग के बनाया जाएगा, काला रंग का नहीं है। वोटिंग कमांड का रंग अलग होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के वोटिंग कमांड का रंग काले रंग के कार्डबोर्ड पर बनाया जाएगा, मतलब काले रंग से के कार्डबोर्ड से बनाया जाएगा, और उस पर सफेद से लिखा रहेगा वार्ड सदस्य, वार्ड ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य। काला रंग का ऐसे घेरा रहेगा, गत्ते का बनाया रहेगा कंपार्टमेंट, पर लिखा रहेगा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, और उसमें फिर ईवीएम रखा रहेगा तो पहचानने में। और मुखिया के लिए हरा रंग के कंपार्टमेंट होगा, मुखिया जी के लिए हरा रंग के कंपार्टमेंट बनाया जाएगा, और उस पर फिर लिखा रहेगा ग्राम पंचायत मुखिया के लिए। तो उसमें आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो रंग से जान जाएगा कि हरा हरा वाला में जो ईवीएम है तो मुखिया जी का है, काला वाला में है तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए है, और उस पर जो हरा रंग पर काला से लिखा जाएगा, यह भी तय कर दिया गया है। और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का कंपार्टमेंट कैसा होगा अभी तय नहीं हुआ है, वो तय जैसे ही होगा उसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें जैसे ही हस्त पुस्तिका मेरे हाथ में आ जाएगी उससे पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा।
और दोस्तों यह थी तैयारी जो बार बार लोग पूछते थे कि ईवीएम का क्रम क्या होगा, ईवीएम कैसे रखा जाएगा। तो इस वीडियो में आपका जो जिज्ञासा है थोड़ा शांत हो गया होगा, और खास करके ग्रामीण मतदाताओं की, जो ग्रामीण क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत चिंतित में थे, बहुत चिंता में थे कि आखिर ये चार चार ईवीएम है, गड़बड़ा जाएगा, मुखिया वाला में दाबने के लिए दाब देगा, जिला परिषद वाला में तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो अब थोड़ा यह जो है अलग अलग रंग होने से थोड़ी सुविधा होगी और मतदाताओं को भी समझाने में भी सुविधा होगी। तो जुड़े रहिए इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।